हेलो दोस्तों, मैं यश और आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो 2023 में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही और जिनको पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, और एक सबसे मेन पॉइंट, जिनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक और मस्त है। तो अगर आपके पास भी देखने के लिए कुछ बचा नहीं तो आप ये वीडियो देख लीजिए, पक्का आपको इस वीडियो से कोई ना कोई नई सीरीज मिलेगी जरूर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बढ़ते हैं अपनी शानदार वीडियो की तरफ। तो मेरे भाई नंबर 5 पे आ रही है द नाइट मैनेजर। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स की। मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा ही। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके अंदर एक्शन सीन्स भी काफी ज्यादा है, और इस सीरीज की डायलॉग डिलीवरी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है दोस्त। अगर आपको कुछ नया देखना है तो इस सीरीज को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अपनी अगली सीरीज आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 स्टार्स की। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? तो इस सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक इंस्पेक्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, और ऐसी खबर हर जगह फैल जाती है कि इसने किसी का मर्डर किया, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। अब आपको क्या लगता है कि इसको फंसाया जा रहा है या इसने सच में कोई मर्डर किया है, वो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही मालूम करना पड़ेगा। तो मैं ये सीरीज भी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई अच्छी सीरीज को क्यों ही छोड़ना यार। इस सीरीज के अंदर डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही एकदम नेक्स्ट लेवल पर करी गई है, और मेरे दोस्त आपको तो पता ही है रणदीप हुड्डा कितने खतरनाक लेवल के एक्टर है। इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज आ रही है दहाड़, जिसको IMDb पर 7.6 की रेटिंग दी गई है। सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा, और तो और दहेज की कहानी एक जैसी। तो दोस्तों सच्ची बताऊं तो इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक बंदा होता है जो गांव की बहुत सारी लड़कियों को अपने प्यार में फंसा कर उन्हें पहले तो मजबूर करता है कि अपना घर छोड़ दे, और जब वो घर छोड़कर इसके साथ आ जाती है तब वो उन्हें लूट कर उसके साथ गंदी हरकतें भी करता है, और बाद में उसका बहुत ब्रूटली मर्डर कर देता है। और ऐसा कोई एक लड़की के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा होता है, जिसकी वजह से बाद में पुलिस को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लास्ट में क्या होता है, क्या ये सीरियल किलर पकड़ा जाता है या फिर ये और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, वो तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा यार। तो दोस्तों अगर हो सके तो इस वीडियो को यहीं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा हो तो, क्योंकि अगली जो दो सीरीज आने वाली है उस सीरीज के अंदर आपको पक्का बहुत मजा भी आने वाला है और आपको बहुत ज्यादा थ्रिल भी महसूस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट इस सीरीज के ऊपर। नंबर 2 पर आ रही है फर्जी, और फर्जी सीरीज को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। जी हाँ, मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने अभी तक फर्जी देख ही ली होगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी सीरीज है ही। मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम ही यूनिक है, मतलब कि आप जैसा सोचते हो कि भाई क्या हो अगर हम पैसे प्रिंट करके उन्हें खर्च करना चालू कर दे, वही सेम चीज इन्होंने एक वेब सीरीज के अंदर डाल दी है कि अगर सच में ऐसा चीज सक्सेसफुल हो जाए कि वो पैसे प्रिंट करके बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाए, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है मेरे भाई। शाहिद कपूर ने इस सीरीज के अंदर काफी सही मेहनत करी है, जो आप भी इस सीरीज को देखने के बाद जरूर अप्रिशिएट करने वाले हो। तो दोस्तों हम अब बढ़ने वाले हैं इस वीडियो के फर्स्ट सीरीज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, नंबर 1 पर आ रही है असुर 2। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। वो हमेशा असुरों के बारे में बात करता था। अब अगर आप एक मूवी नर्ड हो तो आपने असुर 1 तो जरूर देखी होगी, और आपको पता ही होगा कि असुर 2 की कितनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, और जैसे ही ये सीरीज आई इसने अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया। लोगों को इतना ज्यादा ये सीरीज पसंद आ रहा था कि कई सारे लोगों ने तो बार बार इस सीरीज को देखा। इस सीरीज के अंदर डायलॉग डिलीवरी एक नंबर थी, और अरशद वारसी की एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी, और आप भी लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इसका थर्ड सीजन भी आएगा। अगर आपको लगता है हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टाइप की सीरीज और चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो बस दोस्तों यही थी टॉप 5 वेब सीरीज रिलीज्ड ऑन 2023। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।